फोन। अरे मोबाइल दिखा ना। अरे मुझे अरे छोड़ो। अरे पापा मेरे बेटी को छोड़। अरे अरे कमीने पापा बचाओ। अरे मेरे बेटी को छोड़ कमीने बचाओ। कमीने अरे बेटी तू ठीक तो है ना बेटी? हाँ पापा। पता नहीं कौन थे वो लोग। मैं ठीक हूँ पापा, आप ठीक हो ना? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। और एक बार चेक कर लीजिए, कुछ सामान तो चोरी नहीं हुआ ना? अरे नहीं बेटा, सामान तो चोरी नहीं हुआ है, लेकिन फोन एक्सचेंज जरूर हो गया। मोबाइल किसका? किसका? तेरे आसिक का फोन तेरे मोबाइल से, समझे? पापा हाँ, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। गलत फहमी हुई है? तेरी ये करतूत तो मुझे पहले से ही पता है, समझी? पर पापा आपको इसे कैसे पता चला? तुझे पता है ना कि मैं पिछले 6 महीने से एक एप्लीकेशन पे काम कर रहा हूँ। कल रात वही एप्लीकेशन मैंने तेरे मोबाइल में इंस्टॉल कर दिया था। ये रहा रिया का फोन, जो एप्लीकेशन मैंने बनाया है ना, पहले रिया के मोबाइल में इंस्टॉल करता हूँ, एप्लीकेशन का भी टेस्ट हो जाएगा और रिया का भी टेस्ट हो जाएगा। दीदी कहाँ चली गई? चेतन। अरे दीदी आप कहाँ पे चले गए थे? मैं तो बस पार्क तक गई थी घूमने के लिए। अच्छा चलो अंदर चलते हैं। चाबी ये भी चले गए और चाबी तो कार में रह गई। चेतन तो एक काम कर, तू वहां वेट कर, चाबी ना मैं पार्क में भूल गई हूँ, अभी लेकर आती हूँ। ठीक। और बता कैसा रहा तेरा आज का दिन? अरे यार दिन तो बढ़िया था, लेकिन एंड मौके पे ना उसका भाई आ गया, हम बस हद करने ही वाले थे। फिर क्या यार, उसको अपना भाई दिखा वो तुरंत चली गई। भाई तो तू पागल है ना, उसके घर के बाहर क्यों खड़ा रहता है, कहीं दूर लेके जा। अरे यार वो क्या है ना, उसका भाव बहुत स्ट्रिक्ट है, उस पर ना नजर रखता है 24 घंटे कहाँ जा रही है कहाँ नहीं, इस वजह से मेरे को उसके घर के पास ही जाना पड़ता है गाड़ी में लेके। कॉल कर लेती हूँ। ये क्या, तुम तो मैं शिवम का ही फोन ले आई। शिट यार कोई बात नहीं, कॉल करके बोलती हूँ। अबे किसका फोन बज रहा है? ओए तेरा फोन बज रहा? अरे नहीं नहीं मेरे फोन की रिंगटोन नहीं है। अबे भाई हमारा तो बज नहीं रहा ना, इसका बज रहा। मेरे तो सैमसंग का ना, इसका बज रहा। तो तेरा ही बज रहा, देख उठा। अरे ये तो रिया का फोन है, लगता है वो दर्दबाजी में अपना फोन मेरे पास छोड़ के मेरा फोन ले गई। चलो ऑफिस का काम तो हो गया, अब देखते हैं कि रिया बेटी क्या कर रही है। अब उठा भी ले। एक मिनट, उठा था। हेलो हेलो। हाँ शिवम कहाँ हो तुम? वो क्या है ना, मेरी चाबी कार में रह गई, ऊपर से हमारा फोन भी एक्सचेंज हो गया है। हाँ यार वो ही मैं देख रहा कि मेरे फोन की रिंगटोन तो है नहीं, लेकिन ये तो तुम्हारा ही फोन है। चलो ठीक है मैं आता हूँ। हाँ प्लीज जल्दी से आ जाओ। चल भाई मैं फोन दिया हूँ। है चल ठीक है जा। इसका मतलब रिया मेरे पीठ पीछे ऐसी हरकत करती है, मतलब अपने आशिक के साथ वो रंगरेलियां मनाती है। इससे पहले कि वो लड़का उसका फोन बदले, मैं जाके रिया को करता हूँ। पापा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दूँ? एक बात बता रिया, तेरी परवरिश में मैंने कौन सी कमी की जो मेरे विश्वास के साथ तूने इतना बड़ा छल किया? तुझे अपने आशिक के साथ रहना है ना, आज के बाद तू अपने आशिक के साथ ही रहना। आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म, अपने आशिक के साथ ही रहना, समझी? नहीं पापा ये आप क्या बोल रहे हैं।